हेलो दोस्तों, मैं हूं उत्सव। आप देख रहे हैं उत्सव रॉक्स और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रियलमी 2 के बारे में। रियलमी 2 का जब अनाउंसमेंट हुआ उसी वक्त से हमारे मन में बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस आ गया था, क्योंकि रियलमी 1 एक काफ़ी अच्छी हैंडसेट था, एक काफ़ी अच्छी स्मार्टफोन था, जहां पे हमको अच्छी प्रोसेसिंग पावर, अच्छी कैमरा, अच्छी बैटरी और दो तीन चीज़ें वहां पे हमको कम मिला था और हमने एक्सपेक्ट किया था कि हमको यहां पे वो मिल जाएगा। अब हमको क्या मिला है, क्या नहीं मिला है और मेरा ओपिनियन क्या है, वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको जानना है जरूर वीडियो के अंत तक देखिए। Realme 2 का सबसे जो अनोखा चीज है कि उसका डिजाइन बहुत ही प्रीमियम दिखता है। ये एक बजट रेंज का हैंडसेट है, लेकिन अगर आप हाथ में यूज करोगे तो प्रीमियम दिखता है, क्योंकि यहां पे आपको पीछे की तरफ डायमंड कट आपको डिजाइन मिलता है और Realme 2 में भी आपको ये सेम चीज मिला है। ये आपका तीन कलर में अवेलेबल होगा, एक होगा डायमंड रेड, एक होगा डायमंड ब्लैक और एक होगा डायमंड ब्लू। ये देखने में काफी अच्छा है। इस बार आपके फोन का जो स्क्रीन है वहां पे आपका नॉच ऐड किया है। यहां पे आपको 6.2 इंच का एक HD स्क्रीन मिल जाएगा, जिसका आपका 19:9 आपका एस्पेक्ट रेशियो है। स्क्रीन का साइज काफी बड़ा है और आपका पीछे की तरफ आपको मिलता है ड्यूअल कैमरा, एक आपका ड्यूअल फ्लैश, नीचे की तरफ आपको मिलता है फिंगरप्रिंट सेंसर। यहां पे आपका जो सिम ट्रे दिया गया है वहां पे आपका 2 नैनो सिम और एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, नहीं मतलब आप वहाँ पे मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, लगा के अपने स्टोरेज को बढ़ा सकते हो। नीचे की तरफ आपको मिल जाता है स्पीकर ग्रिल और उसके साथ आपको मिलता है माइक्रो USB का पोर्ट। अब अगर हम प्रोसेसिंग पावर की बात करें तो यहाँ पे आपको स्नैपड्रैगन का 450 का प्रोसेसर मिल जाता है, जो रियलमी 1 में आपको जो हीलियो का P60 प्रोसेसर मिला था वो इससे ज़्यादा ही स्ट्रांग था। लेकिन अगर आप पूछोगे कि 450 कितना स्ट्रांग है स्नैपड्रैगन का, तो आपका स्नैपड्रैगन 450 में आपको हाफ पावर मिलेगा स्नैपड्रैगन 660 का, और स्नैपड्रैगन 660 हाफ पावरफुल है स्नैपड्रैगन 845 का। यहाँ पे जो स्नैपड्रैगन यूज किया गया है वो है एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर, ये 1.8 गीगाहर्ट्ज पर चलता है, 14 नैनोमीटर डिजाइन बेस्ड है और यहाँ पे आपको एड्रीनो 506 मिलता है। अगर हम स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पे हमको 2 स्टोरेज वेरियंट मिलता है, एक है 3GB 32GB और दूसरा है 4GB 64GB। ये फोन ड्यूअल सिम सपोर्ट करता है और ड्यूअल वोल्टी भी सपोर्ट करता है। स्मार्टफोन हो और वहां पे कैमरे के बारे में बात ना करें तो डेफिनेटली वो तो 9 होता है। तो आपको पीछे की तरफ यानी रियर में आपको 2 कैमरा मिल जाता है, एक है आपको 13 मेगापिक्सल का, दूसरा है 2 मेगापिक्सल का। उसके साथ आपको मिलता है ड्यूअल LED फ्लैश। आपको जो 2 मेगापिक्सल वाला कैमरा है वो आपका डेप्थ सेंसिंग कैमरा है और यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी खासी का फोटोज मिलता है इस बजट के हिसाब से। और आपका जो बोके इफेक्ट यानी बैकग्राउंड जो ब्लर करता है वो भी आपका एज डिटेक्शन, ये सारा चीज़ें काफ़ी अच्छी तरीके से कर लेता है। सामने की तरफ आपको एक 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा, जहां पे आपको ब्यूटी मोड, AI मोड, पोर्ट्रेट मोड, HDR ऑटो, ये सारा फीचर्स मिल जाता है। और इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो काफी अच्छी जगह पे प्लेसमेंट काफी अच्छी है, वो काफी अच्छी तरीके से काम करता है, यानी बहुत ही फास्ट है। और आपका फेस डिटेक्शन भी काफी अच्छी तरीके से, अगर आपका लाइट जहां पे आप कर रहे हो वहां पे लाइट अच्छा है तो आपका फेस अनलॉक भी काफी अच्छी तरीके से फास्ट काम करता है। अब बात करते हैं कि प्राइस क्या है। 3GB 32GB वेरिएंट का प्राइस है 8,999 और 4GB 64GB वेरिएंट का प्राइस है 10,999 और ये आपका अवेलेबल होगा फ्लिपकार्ट पे 4th of September से। आप ये स्मार्टफोन बाय कर सकते हो दोपहर 12 बजे से। इसका एक फ्लैश सेल काइंड ऑफ होगा, वहां से ही आपको रियलमी 2 स्मार्टफोन बाय करना होगा। अब मेरा ओपिनियन अगर आप पूछोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल रियलमी 1 में आपको जो हीलियो P60 वाला प्रोसेसर मिल रहा था वो लेकिन स्नैपड्रैगन 450 से तगड़ा था। सेकंड, रियलमी 1 में आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल रहा था, जिसपे आपको अगर आप कुछ टेक्स्ट पढ़ते हो या फिर वीडियोस देखते हो वहाँ पे काफ़ी अच्छी खासी आपको क्लैरिटी मिलती है, लेकिन ये आपका एक HD प्लस स्क्रीन होने के वजह से उतनी अच्छी क्लैरिटी आपको यहाँ पे नहीं मिलने वाला है। अब यहाँ पे क्या नया चीज़ें ऐड किया गया है जो रियलमी 1 पे नहीं मिला था, एक फिंगरप्रिंट सेंसर जो रियलमी 1 पे नहीं था, और यहाँ पे आपको नॉच वाला डिस्प्ले दिया गया है। तो डेफिनेटली नॉच वाला डिस्प्ले कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ लोग पसंद नहीं करते हैं, तो यहां पर भी सेम होगा। कुछ लोग इस डिस्प्ले को पसंद करेंगे और कुछ लोग इस डिस्प्ले को पसंद नहीं करेंगे। डिस्प्ले का जो आपका ब्राइटनेस है वो एवरेज है या फिर ओके कह सकते हैं, यानी अगर
अगर आप इंडोर यूज करोगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन बाहर अगर डायरेक्ट सनलाइट पे आप यूज करोगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इस प्राइस पॉइंट पे अभी आपका जो मार्केट में ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से ये फ़ोन काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि अगर आप Realme 1 में देखो तो वहाँ पे आपका फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं था, डिस्प्ले का ये नॉच वाला ये जो आपका स्टाइलिंग था ये सब नहीं था। तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें ऐड करने के लिए कुछ चीज़ों को या तो आपको वहाँ से निकालना पड़ेगा लिस्ट से, या फिर उसको थोड़ा सा डाउनग्रेड करेगा प्राइस ब्रैकेट के अंदर करवाने के लिए। तो Realme 2 ने काफी अच्छी काम किया है। आपको Realme 2 कैसा लगा है जरूर नीचे कमेंट्स में लिखिएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करके मुझको बताइएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर सब्सक्राइब करके पास से बेल आइकन को बजा दीजिए, जेन्युइन टेलीकॉम न्यूज़ हर रोज सबसे पहले जानने के लिए। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई लव यू, चलो बाय।